आज का नेपाल वर्सेस नीदरलैंड मैच रहा जबरदस्त। शायद नीदरलैंड ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि नेपाल के खिलाड़ी उनके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। अगर बात करें नेपाली खिलाड़ियों की, तो एक तरफ कुशल ब्रूटेल विकेट ले रहे थे लगातार, और वहीं पर दूसरी तरफ आसिफ शेख और अनिल शाह लगातार बाउंड्री से बाहर बॉल को भेज रहे थे। न्यूजीलैंड के साथ इतना नाइंसाफी तो आज नहीं होनी चाहिए थी जिस प्रकार से नेपाल ने की। तो किस प्रकार से नेपाल का आज मैच रहा, नीदरलैंड ने कितना स्कोर बनाया और किस प्रकार से नेपाल जीता, कितने रनों से जीता, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले नीदरलैंड के द्वारा टॉस जीता गया और सबसे पहले बैटिंग का ऑप्शन जो है वो नीदरलैंड ने चुना। उसके बाद आते हैं बॉलिंग पर, नेपाल के सोमपाल कामी जिन्होंने 7 ओवर के अंदर 1 विकेट झटकाया। वहीं पर ललित राजवंशी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और बात करें कुशल ब्रूटेल की, तो उन्होंने 7 ओवर के अंदर मात्र 20 रन के नुकसान पर 4 विकेट चटकाए। कुशल ब्रूटेल ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया इस मैच के अंदर, 4 विकेट सबसे ज़्यादा स्कोर रहा यहां पर विकेटों की दर से। और रोहित पोडेल ने 3 रनों के नुकसान पर 1 ओवर के अंदर 1 विकेट लिया। तो यहाँ पर कुशल ब्रूटेल बॉलिंग के अंदर छाए हुए थे। वहीं पर नेपाल जब बैटिंग पर उतरा, यहाँ पर अगर नीदरलैंड के ऑल ओवर स्कोर की बात करें तो 39 ओवरों के अंदर 137 रन पर नीदरलैंड टीम को ऑल आउट कर दिया गया। वहीं पर नेपाल जब उतरता है बैटिंग पर, तो वहीं आसिफ शेख से होती है मुलाकात बॉलिंग की, और मात्र 45 बॉलों पर 54 रन फेंकते हैं आसिफ शेख, जिसके अंदर 8 चौके और 1 छक्का था। वहीं अनिल शाह की बात करें तो उनका तो कहना ही क्या है, 36 बॉलों में 57 रन बनाते हैं और 6 चौके और 4 छक्के लगाते हैं। तो अनिल शाह आज के बादशाह हैं नेपाल वर्सेस नीदरलैंड मैच के। वहीं कुशल ब्रूटेल मात्र 11 बॉलों के अंदर 28 रन बनाते हैं 2 चौके और 3 छक्कों की सहायता से। तो आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और नेपाल आज नीदरलैंड से 9 विकेटों से जीता, क्योंकि नेपाल ने केवल 15 ओवर के अंदर 141 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, जो था कुशल ब्रूटेल का। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल फाइनल के अंदर कप जीत सकता है या नहीं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे लिए नेपाल की बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच के। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नेपाल न्यूज़ के साथ।